मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि अहलावत है और एक नई सोच में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में मैं आपके सामने लेके आता हूँ कुछ कहानियाँ जो जुड़ी हैं मुझसे और उन हज़ारों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी से जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। आज की कहानी है एक जवान लड़के की। वो महात्मा बुद्ध के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कामयाब होने का राज क्या है। महात्मा बुद्ध उसे बोलते हैं कि कल सुबह मुझे उस नदी के किनारे मिलना। अगली सुबह 6 बजे वो दोनों उस नदी के किनारे मिलते हैं और महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि चलो अंदर चलते हैं। वो नदी के अंदर जाते गए, जब पानी गर्दन तक आ चुका था, महात्मा बुद्ध ने उसकी गर्दन पकड़ी और पानी के अंदर डुबा दिया। वो छटपटा रहा था सांस लेने के लिए, बट महात्मा बुद्ध ने उसको बाहर नहीं निकाला। धीरे धीरे जब वो नीला होने लगा तो महात्मा बुद्ध ने उसको बाहर निकाला। बाहर निकालते ही वो लड़का पूछता है कि आप मुझे यहाँ पे डुबा के मारने के लिए लेके आए थे या ये बताने के लिए लेके आए थे कि कामयाबी का राज क्या है? तो महात्मा बुद्ध बोले, जब तू अंदर था तो तुझे क्या सूझ रहा था? तो बोला कि डेफिनेटली मुझे सांस लेना ही सूझ रहा था। तो महात्मा बुद्ध ने उसे बताया, जिस दिन जिंदगी में तुम किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहोगे जितनी शिद्दत से तुम सांस लेना चाहते थे, उस दिन तुम कामयाब हो जाओगे। If you want something as badly as you want to breathe, you will succeed. So, यही मेरा आपसे संदेश है कि जैसे कि एक छोटी चिंगारी ज़्यादा गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही एक छोटी सी determination भी आपको कामयाबी नहीं दे सकती। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो उतनी जिद आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव हमें देना ना भूलें।